एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, उनकी आज आपकी भावनाएं आपको लेके क्या होने वाली हैं। गाइस, टाइम ऑफ रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी सबसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के हैं, अगर एनर्जी सबसे मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। और ज़ोडियक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। ओके, आपके पर्सन की आज रात की भावनाएं आपके लिए। थ्री ऑफ वॉन्स, ओके, एरिस लियो सजिटेरियस, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। डेथ, ओके, एंड रिबर्थ। सो आपके पर्सन पोटेंशियल ढूंढ रहे हैं इस कनेक्शन में, इनको पोटेंशियल दिख रही है, मैं तो यही कहूँगी। आपके पर्सन रास्ता ढूंढ रहे हैं इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट के लिए। एंड आपकी पर्सन लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना चाहते हैं गाइस। ये मैं ये कहूँगी, ये इंसान सिर्फ आज की नहीं सोच रहा, ये इंसान प्रेजेंट टाइम में रह के ये फ्यूचर की सोच रहा है। ये इंसान आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहा है। ये इंसान आपको लगता होगा इस कनेक्शन का एंड हो चुका है, लेकिन यहाँ आपके पर्सन रास्ता देख रहे हैं कि किस रास्ते से ये इस कनेक्शन को फिर से एक न्यू स्टार्ट दे सकें। आपके पर्सन इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट डेफिनेटली चाहते हैं, एंड नहीं चाहते, रीबर्थ का कार्ड है, एंड बिल्कुल नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि ये कनेक्शन एंड हो, एंड करे, आपके साथ ये न्यू स्टार्ट चाहते हैं। थ्री थ्री यहाँ पे मुझे ट्वाइस दिखा है। सो नंबर थ्री एंड मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं गाइस आपके लिए, ये इस कनेक्शन में लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आपके पर्सन। अगर पास्ट में इनके थॉट थे कि ये आपसे दूर जाए, अभी इनके थॉट में चेंज आया है, अभी ये इंसान दूर से आपके पास आना चाह रहे हैं। आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हुए हैं और ऑलरेडी इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है इनका ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपके पर्सन, खुद को चेंज कर रहे हैं हर रोज, हर रोज ये इंसान चेंज होता है। इनकी ये जो चेंज जा रहे हैं, ये इस इंसान की ओवरऑल लाइफ में ही नहीं, इस इंसान के अंदर से स्टार्ट हो रहे हैं ये चेंज। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सजिटेरियस, आज हमारे पड़ोस में फंक्शन है कोई, इसलिए आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूजिक डिस्टर्ब कर सकता है। चाहे तो आप इसे इंजॉय भी कर सकते हैं। मैं वैसे इंजॉय बोल रही थी, क्या निकला मुझसे। वाओ, टेन 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 पेन टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टेन टेन। सो एज यू कैन सी गाइस, नंबर टेन, एक साइकिल कंप्लीट हुआ आप दोनों के बीच, एक साइकिल का एंड हुआ है गाइस, न कि रिश्ते का। आपके हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे दिखे, इनकी फैमिली हो सकती है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर ये इनकी फैमिली है, इनके पेरेंट्स, या फिर बट यहाँ पे फैमिली इशू मुझे दिखा है। और ये फैमिली भी जैसे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इनकी जिम्मेदारी है, ना कि ये इनकी मर्जी है। मुझे यहाँ पे मजबूरी दिख रही है गाइस। सो इस वक्त ये जिन लोगों से भी डील कर रहे हैं, चाहे इनके फैमिली के मेम्बर्स ही क्यों ना हो, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मुझे ऐसा लिटरली क्यों बोल फील हो रहा है, क्या पर्सन साहब कुछ बैग वैग पैक करके कहीं जाने का प्लान कर रहा है, सुकून की खोज में। सुकून की खोज में आपके पर्सन कहीं जा रहे हैं, अपना सामान पैक करके। ट्रैवलिंग का कार्ड दिखा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या आपके पर्सन कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। सो ये आपको पता होगा, आपके पर्सन आपके कनेक्शन का एंड मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा, ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, दूर कर लीजिए अभी के अभी, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड भी रिवर्स को बता रहा है, और नंबर टेन भी, टेन बता रहा है कंप्लीशन। ओके, कंप्लीट, एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। वन प्लस जीरो टेन है ना, जो वन प्लस जीरो हमारा अगेन वन आता है, फिर से स्टार्ट। ओके, सो यहाँ पे न्यू स्टार्ट है, डेफिनेटली इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट होने वाला है। आज रात इनका यही रहेगा फोकस कि आपके साथ इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट कैसे किया जाए। सन ऑफ वॉन्ड्स, या तो आपने ब्लॉक किया अपने पर्सन को, या आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया, ब्लॉकेज यहाँ पे है, यहाँ पे ब्लॉकेज मुझे
ज्यादा तो आप ही की तरफ से लग रहे हैं, आपके पर्सन आपको मूव ऑन करते हुए देख रहे हैं. सो हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया. अगर आपने इनको सोशल मीडिया पे ब्लॉक नहीं किया तो आपने अपनी एनर्जी को जैसे आपने अभी अपनी तरफ खींच लिया है, अभी आप अपनी एनर्जीज उनको नहीं दे रहे हैं. सो ये भी एक ब्लॉकेज इनके लिए क्रिएट हुआ है. सो आपके पर्सन खुद को ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, जैसे आपने इनको इनके जैसे लाइफ को ही ब्लॉक कर दिया गाइस. आपने मूव ऑन करके आपके पर्सन आपको मूव ऑन करता हुआ देख रहे हैं. लेकिन स्टिल आपके पर्सन कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ आने का. इन्होंने मूव ऑन नहीं किया है, आपको मूव ऑन करता हुआ देख रहे हैं. एट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स. यहाँ पे एरिस लियो सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग, कोई तो फायर साइन है यहाँ पे. कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं. जुलाई मंथ और अगस्त मंथ आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. सो आपके पर्सन आपको मूव ऑन करते हुए देख रहे हैं, आपके पर्सन आपको खुद से दूर होता हुआ देख रहे हैं. और लिटरली ये इंसान, हाय अब क्या करूँ ऐसी वाली एनर्जी में है. सो आपके पर्सन गाइज बहुत सैड है, मुझे सैड एनर्जी लग रही है इस वक्त. ये जहाँ कहीं भी हैं, ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं गाइज. इस इंसान पे बहुत बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन लेके चल रहे हैं आपके पर्सन राइट नाउ. राम जी और क्या है इनकी आज रात की भावनाओं में मेरे व्यूवर्स के लिए. आज रात ये क्या सोचने वाले हैं, क्या फील करने वाले हैं. नाइट ऑफ सॉर्ड्स, भाग के दौड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं. क्यों? आप इनकी विश फुलफिलमेंट है गाइज, इनकी ट्रू हैप्पीनेस आप हो. मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं कर रही, कार्ड्स आप लोगों के सामने हैं. टेन टेन, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, ये सब जिम्मेदारी है इनकी. जो फैमिली आसपास के जितने भी लोग इनके सामने पास हैं, जिस जो भी लोग इनके सराउंड हैं इस वक्त, ये जहाँ कहीं भी हैं, वो लोग इनके सिर्फ जिम्मेदारी है. हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस आप है. आपके पर्सन लिटरली दौड़ के आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं. इनका बस चलेना, इनका मन कर रहा है जैसे अभी ये दौड़ के आपकी तरफ आ जाए, लेकिन क्या करें, इनकी चल नहीं रही है ना. क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में इस इंसान ने, इसी इंसान का डिसीजन था आपसे दूर जाने का, और अभी कैसे ऐसे आपकी तरफ आ सकते हैं. सो लिटरली गाइज, आपके पर्सन चाहते तो हैं कि अभी के अभी आपको अप्रोच करेंगे, अभी के अभी आ जाए. ये थोड़ा सा गुस्सा भी है गाइज आपसे, थोड़ा सा गुस्सा है, जैसे जैसे इनके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि आप ऐसे मूव ऑन कैसे कर सकते हो इनसे. इनको लिटरली आज रात मतलब एक अंदर से बेचैनी हो रही है, और इनको गुस्सा आ रहा है आप कि कैसे आप इनको ऐसे छोड़ के, मतलब कैसे मूव ऑन कर सकते हो गाइज आप इनको छोड़ के, कैसे. इनको यकीन नहीं हो रहा, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग ऐसा ही कर रहे हैं. और अगर आप ऐसा नहीं भी कर रहे तो भी आपके पर्सन आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप ऐसा ही कर रहे हैं. दैट्स वाई आपके पर्सन रेसिस्ट नहीं कर पा रहे. इनका मन कर रहा है कि अभी के अभी दौड़ के आपकी तरफ हो जाए. पहले तो आपको आपका कान पकड़ के दो चार आपको सुनाए कि ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हो आप. ठीक है, वो अचानक से मुझे विजन में अभी मुझे वो दिखा, वो कौन सी मूवी है, कुछ कुछ होता मूवी का वो नहीं है, वो सीन याद हो तो आपको, वो ट्रेन वाला जहाँ पे शाहरुख खान उसको, काजोल जब जाती है शाहरुख खान को छोड़ के, तो शाहरुख खान गुस्सा नहीं आता अपनी बेस्टी से, क्या बोलता है वो कि अच्छा तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो. वो गुस्सा भी हो रहा है और वो लिटरली इमोशनल भी हो रहा है अंदर से. तो वही कहानी मुझे आपके पर्सन की लग रही है, ये इमोशनल हो रहे हैं अंदर से और उनको गुस्सा आ रहा है आप पे कि आप इनको ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो. इनको ये नहीं, और आपने अगर फील की होगी, अगर काजोल की फीलिंग उस वक्त अगर आप फील कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए वो काजोल आप हो. आप ऐसे ही नहीं मूव ऑन कर रहे हो इस कनेक्शन से, आपने बहुत दर्द देखा है इस कनेक्शन में. आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी अपने पर्सन को छोड़ के जाने का, क्योंकि ये इंसान हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए थे पास्ट में, या फिर अभी भी हैं. ये चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ना ये थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं, ये किसी एक को, एक का किसी एक को नहीं चूज़ कर पा रहे हैं गाइज़. ये तो आपको तो देखिए जाना ही था, सही किया आपने. आपके पर्सन आपकी वर्थ समझ नहीं रहे थे या आपको ऑप्शन में ले रहे थे, तो आपको तो निकलना आपका सही था, आपका डिसीजन एकदम सही था गाइज. उप्स सॉरी, कार्ड्स गिर गए. ओके, अभी इनका नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं. आज बहुत दिनों बाद मेरी इंट्यूशन ने मुझे कहा कि
नेक्स्ट एक्शन चेक करो. सो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन. राम जी का नेक्स्ट एक्शन क्या है? फाइव ऑफ वांड्स. ओके, गुस्सा है आपसे. देखिए गाइस, मैंने जो कहा भाई, यूनियन करना चाहते हैं आपसे. यूनियन क्या कार्ड है ये? यूनियन करना चाहते हैं. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पॉजिटिव चेंज आने वाला है. ठीक है, आपसे यूनियन करना चाहते हैं लेकिन झगड़ा करके, गुस्सा है आपसे. गाइस इनका नेक्स्ट सेक्शन यही होगा, ये आपसे आर्ग्यूमेंट्स करना चाहते हैं, ये आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कि आपने ऐसा कैसे किया. अभी क्या क्वेश्चन है इस इंसान के मन में ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ आपसे ये क्लैरिटी चाहते हैं, ये आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, क्लियर बातें करना चाहते हैं. और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स की पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपके पर्सन यूनियन में आना चाहते हैं. ये थोड़ा सा गुस्सा है. देखिए ये इंसान, इस इंसान के मन में बहुत से इमोशंस हैं, डीप डाउन बहुत से इमोशंस हैं, बट ये इंसान क्या है, दिखा नहीं रहे. ये अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन गुस्से के पीछे जो प्यार है वो सिर्फ आप देख पाओगे. साकी पर्सन प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, लेकिन इनका एक्शन थोड़ा ऐसा होगा, टोटली मुझे अपोजिट लग रहा है, इनके फीलिंग्स के अपोजिट इनका एक्शन होगा. अभी हम मैसेजेस देख लेते हैं. हे राम जी, मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस उनके पर्सन की तरफ से, और नीचे से निकाल रही हूँ जो भी निकलेंगे. काफ़ी है, ज़्यादा मैसेज नहीं निकाल रही मैं. ओके, फेस्टिव मैसेज आया है, वर्शिप्स. तो या तो आपके पर्सन दुआएं कर रहे हैं, आप लोगों के लिए दुआओं में आपको मांग रहे हैं अपने भगवान से. ओके, नेक्स्ट है सर्चिंग फॉर लव. ओके, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, लेकिन मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी. मुझे क्लैरिफाई इसलिए करना है इस एनर्जी को, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई. ये जो सर्चिंग वाला लव है, सर्चिंग फॉर लव ये आपके अंदर खोज रहे हैं इस लव को, ये उस लव को मिस कर रहे हैं जो आप इनको पास्ट में आपने इनको दिया, या फिर ये कहीं न्यू लव की खोज में निकल पड़े हैं. देखते हैं राम जी, ये आपको चिढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं. देखते हैं राम जी ये क्या है. हे राम जी, सर्चिंग फॉर लव, इनके पर्सन कौन सा लव सर्च कर रहे हैं? ये आप में प्यार, ओप्स, डेफिनेटली ये आपका प्यार मिस कर रहे हैं. ये आपके अंदर अपना प्यार ढूंढ रहे हैं, वो वाला प्यार जो पास्ट में आप इनसे करते थे, क्योंकि अब आप मूव ऑन कर रहे हो. अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, और वो प्यार ये अभी आपके अंदर देखना चाहते हैं जो पास्ट में आपने इनको दिया. प्यार तो आज भी है आपको उतना ही, लेकिन हो सकता है आपने अभी दिखाना बंद कर दिया. दैट्स वाई आई एम कमिंग बैक. सो फाइनली दे आर कमिंग बैक टू यू. आपके पर्सन आपके लिए आ रहे हैं, सो बी रेडी. क्यों आ रहे हैं राम जी? इंटेंशन बताइए, क्यों आ रहे हैं? मेरा साथ मत छोड़ना, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप इनका साथ छोड़ो. गाइज फियर ऑफ लॉस से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, डर लग रहा है इनको, लिटरली डरे हुए हैं कि आप छूट गए इनके हाथ से, आपको ये खो देंगे. ये रिश्ता बहुत खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत रिश्ता है आप दोनों का. ये नहीं चाहते कि ये रिश्ता इनसे छूटे, आप इनसे छूटे. दैट्स वाई इनके मन में बहुत ज़्यादा फियर अभी इस वक्त चल रहा है. ये आपको खोना नहीं चाहते, ये वही प्यार आपसे चाहते हैं जो पास्ट में आप इनकी जो केयर करते थे, आप जो इनको प्यार देते थे, आप इनकी वैल्यू करते थे. बट अब वो सब जैसे इनके लाइफ में अभी रहा ही नहीं, और आप जैसा प्यार इनको कहीं मिल भी नहीं रहा. सही है बॉस, ऐसा ही होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ. अभी हम सॉन्ग देख लेते हैं. हे राम जी, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन की तरफ से सॉन्ग. जय सिया राम, लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम. कौन सा है ये? नहीं, ये सॉन्ग तो मुझे ही समझ में नहीं आ रहा क्या है. तेरा मेरा, अरे रे रे रे, मांझा मूवी का, मांझा मूवी नहीं, मांझा सॉन्ग है ये. तेरा मेरा जाने कैसा है ये बंधन, बोले तड़पन लागी छूटे ना, लागी छूटे ना. बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है गाइस, बहुत ही, और बहुत, मतलब आपके पर्सन बहुत सीरियस हो रहे हैं आपको लेके. सीरियस ही नहीं, बहुत टेंशन में गाइस, बहुत ज़्यादा टेंशन. अब
ब्यूटीफुल सॉन्ग है गाइस, सुनिएगा ज़रूर, मेरा फेवरेट वन. मुझे कुछ लाइन्स याद हैं, मैं बताती हूँ आपको. मैं नादा था पहले, संभलने लगा हूँ, तेरे प्यार में मैं बदलने लगा हूँ, पछता रहा हूँ तेरे दिल को दुखा के, तेरा बनूंगा तुझे अपना बना के. लग जा तू गले से, सुन अर्जियाँ, कर दे दरगुजर तू मेरी गलतियाँ, मेरी गलतियाँ. सो अब मैं देख लेती हूँ आप लोगों को इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है, गाइडेंस आप लोगों के लिए. अभी बैकग्राउंड में आपको जो बेबी की आवाज़ सुन रही है ना, रोते हुए बेबी की, वो क्या बताऊँ मैं खुद डरती हूँ उसको डांटने से. मतलब मैं ज़ोर से भी नहीं बोलती उसके सामने, क्योंकि अगर मुझे पता है अगर उसने रोना स्टार्ट कर दिया, हे राम. ओके, आप लोगों के लिए गाइडेंस लेके, प्रभु का नाम जय सिया राम. मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस, राम जी थ्रोन. ओके, योर पोटेंशियल इज एंडलेस. आप में बहुत पोटेंशियल है गाइस, आप कुछ भी कर सकते हो. यू आर मैनिफेस्टर, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ भी गाइस. बस आपको डिसीजन लेने की जरूरत है, आपको डिसाइड करने की जरूरत है. आप बस एक बार ठान लो मुझे ये चाहिए, वो मिलेगा आपको. आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो पावर है उस गोल को अचीव करने की, उस पर्टिकुलर चीज को या किसी पर्टिकुलर पर्सन को. सो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है. रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय सियाराम.